अरे दैट इज नॉट प्रेम, दैट इज ठाकुर। राणा ठाकुर ने फिर से पद्मावती की गर्दन पकड़ ली और गला दबाने की कोशिश की, बट लकीली सही टाइम पर सारी चीजें हो जाती हैं जिससे सिमर फिर से बच जाती हैं। और हैप्पीएस्ट पर्सन इज प्रेम आफ्टर दैट, क्योंकि प्रेम को लगता है कि उनके हाथों अगर कुछ भी हो जाता राणा ठाकुर के रूप में तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। सो आई एम रियली हैप्पी कि प्रेम ने फिर से सिमर को नुकसान, राणा ठाकुर ने सिमर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन वो पहुंचा नहीं पाया। सी आई ऑलवेज से इट्स ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का, सो देर इज ऑलवेज न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द स्टोरी एंड दिस इज द लेटेस्ट ट्विस्ट इन द स्टोरी दैट देर इज अनदर वन मोर डायन इन द स्टोरी। एंड देखिए एक बात तो बहुत मशहूर है जो भी हमारी ऑडियंस उनके बीच में, कि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है माता रानी की शक्ति, तो डायन एक हो दो हों या पाँच हों, वी कैन फाइट विद देम एंड वी कैन विन। जी एज एन एक्टर आई फील दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई एवर प्लेड ऑन स्क्रीन, बिकॉज राणा ठाकुर एक अलग ही किस्म का किरदार है एंड वेन एवर आई एम राणा ठाकुर, जब मैं उस किरदार में होता हूँ तो आई एंजॉय द मोस्ट, बिकॉज ऐसा लगता है कि ये सब मेरी प्रजा है और ये मेरा राजमहल है एंड आई एक्चुअली गिव ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग। बट फ्रेंकली स्पीकिंग वेन आई हर्ड अबाउट दिस कैरेक्टर कमिंग अप एंड आई सेड वाओ दिस इज समथिंग आई हैव टू डू, बिकॉज प्रेम का दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। प्रेम बिल्कुल सिंपल सादा घर पर पारिवारिक लड़का है और राणा ठाकुर जो है बिल्कुल अपने पूरी प्रजा के साथ जीते हैं एज अ राजा। सो आई लव मीन्स आई लव प्लेइंग बोथ देम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले ये बताइए, मतलब दो तो डायमंड मिलकर अटैक कर दिया है घर पे आज, तो मतलब और हाँ ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अकेले अकेले मैं थक गई थी तो सोच रही थी किसी को बुलाया जाए, तो इतनी सुंदर डायन को लेकर आई है, वो डायन जिनको मैं बचपन से जानती हूँ, अगेन अनदर वन जिनको मैं जानती हूँ बचपन से, हे भगवान हर एक को बचपन से जानती हूँ, तो सच में मेरी उम्र 100 साल की हो गई होगी। तो जो भी है लाइक टू इंट्रोड्यूस हर, शी इज श्रद्धा, आप लोग सब जानते हो CID से, बट एट द सेम टाइम ये भी आप नहीं जानते थे, सो लेट मी टेल यू कि इनको मैं जानती हूँ मिस इंडिया के टाइम से, सबसे ही लाइक शी वॉज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट, सो वी ऑल हैड शेल्टर्ड हर एंड लव्ड हर, आई होप सो। एंड इतनी लंबी है ठीक है लेकिन है छोटी बहुत, सो दैट वे हेलो आई वॉज अ मिस इंडिया विनर, बिना शेज बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है लाइफ में, ऐसा जब पहली बार कुछ भी करने को मिलता है ना बड़ा मजा आता है, और ऑफकोर्स कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत कुछ खेल सकते हैं अपने लुक में अपने परफॉर्मेंस में, सो आई थिंक सो बहुत एक्साइटेड है हम लोग, लोग बहुत अच्छे हैं आसपास, हमारे डायरेक्टर आसपास जो सपोर्टिंग कास्ट भी इतना सपोर्टिव है, क्योंकि कोई पहली बार जब नए प्रोडक्शन हाउस में आता है काम करता है तो थोड़ा अंदर ऐसे कुछ होता है, आई होप इट इज कम्फर्टेबल और नॉट, लोग कैसे रहेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया, और ये मैडम का तो देख के मेरा तो दिल खुश हो गया, अरे वाह ये है तो घर की बात है, माते हैं माते घर पे ऐसा लगा। बट एनी वे इट इज़ अ वेरी नाइस रोल, ये तो डायनो का रोल तो मैं जैसे कि सालों से कर रही हूँ ऐसा ही लग रहा है, तो मैं काफ़ी यूज टू होकर भी यूज टू देव यू, बिकॉज एवरी चैलेंज एवरी रोल विच आई गेट इज हायर दैन टॉप, इट टॉप्स द अदर वन, सो दैट्स अ रीजन जब दैत्यानी कर रही थी सोचा इसके ऊपर और क्या होगा, ओ माई गॉड ये इंद्रावती तो उसी उसके ऊपर भी है, नाचती रहती है और फिर अभी डरा भी रही है हंस भी रही है सब कुछ कर रही है, साथ में सपोर्ट करने के लिए ये आ गई हैं हमारी महा डायन, तो ये है हम दोनों मिलकर बहुत कमाल करेंगे, प्लीज देखिएगा। जैसे कि आप लोगों ने लुक की बात कही तो आप लोग वाकई आप लोगों के लुक्स जो है काफी स्टनिंग है, तो इसमें आप लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, क्या हम कहते हैं कि स्टाइलिस्ट से थोड़ा सा ये कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ये शायद कर रही होगी, लेकिन मैं जैसे एज एन इंडिविजुअल मैं मोटा मोटी मैं डिपेंड करती हूँ अपने स्टाइलिस्ट पे, जो प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कुछ लुक सोचते हैं तो उसके हिसाब से, हाँ थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल ऐसा हो तो मेरे फेस पे ये सूट होता है, ये मेकअप मेरे आई मेकअप ये ऐसा होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन कॉस्ट्यूम टू अ लिमिट, अदरवाइज आई थिंक दे आर ऑल गुड, अच्छा ही कॉस्ट्यूम देते हैं हमें, अच्छा ही लगते हैं अच्छे लगते हैं हम स्क्रीन पे, सो दैट वे नहीं 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 ये रॉन्ग सवाल है, एक 100 साल पुरानी डायन से ये रॉन्ग सवाल है, वो उसी जमाने में जैसे थोड़ा बहुत पहनती थी उसी को फॉलो करती आ रही है, फिर भी थोड़ा बहुत कर रही है, पहले ऐसे पहनते थे, मैंने वही थोड़ा बहुत लिबर्टी लेके कर रही है, लेकिन ये मैंने जो जो है शायद उसी जमाने के, लेकिन इस जमाने में रीबर्थ हुआ है मेरा, रीबर्थ नहीं हुआ है, मैं पेंटिंग से निकल के आई हूँ, सो ये उसी जमाने के स्टाइलिस्ट, बोलिए बोलिए डिजाइन
आई वुड से यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ काफ़ी लोग ओपन हैं, तो हमारा भी थोड़ा से होता है हम किन चीज़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, सो दे आर ओके विद इट. तो बहुत निटी पिकी नहीं है, और लुक टेस्ट में जब कुछ बेसिक हमने ट्राई किया, अच्छा लगा, तो हमने कैरी ऑन किया. ये लोग आई डोंट नो आजकल डायन लोग इतने स्टाइलिश होते कि नहीं, रियल डायन्स मुझे नहीं पता. और हम लोग 100 साल से अभी रीबर्थ हुआ है, तो प्रॉब्ली हम थोड़ा लिबर्टी ले सकते हैं कि हम मॉडर्न डायन है, इसलिए हम मॉडर्न कपड़े पहनेंगे. थैंक यू.